Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the looks in the band. Legacies. Hello guys, welcome to my YouTube channel RKC Tech. My name is Rajnikant Mishra और चलिए आज हम लोग देखते हैं Samsung Galaxy S20 Fe. वैसे पहले ही मैं इसे अनबॉक्स कर चुका हूँ क्योंकि आपको पता है कि आप चाहे ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो तो आपको अनबॉक्स करके ही दिया जाता है मेनली सारा सब कुछ क्योंकि आपको कंटेंट वहाँ पे दिखा दिया जाता है कि आपका कहीं फूटा हुआ तो नहीं है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो कस्टमर है ना वो खरीद लेते थे और उनके हाथ से अगर गिर जाता था फूट जाता तब भी वो रिप्लेसमेंट के लिए करते थे कि मुझे फूटा हुआ फ़ोन आया है वहाँ पर तो इस वजह से शायद आई थिंक इन्होंने अनबॉक्स जो है तरीका वो अपनाया है ठीक है जहाँ पर डिलीवरी एजेंट्स आपको अनबॉक्स कर देते हैं तो अनबॉक्स चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है हमारे पास बॉक्स में क्या क्या रहता है तो बॉक्स में सिंगल आपको एक फ़ोन मिलता है ठीक है उसके साथ आपको ये 15 वाट का चार्जर मिलता है जो कि मुझे नहीं लगता कि 44,000-45,000 में जस्टिफाई है ठीक है ये एक्चुअली अब सैमसंग को बढ़ा देना चाहिए तो फ़ोन में 25 वाट चार्जर फास्ट चार्जर दे रहा है ठीक है मतलब 25 वाट भी ठीक है फास्ट ही चार्जिंग है 4500 के लिए लेकिन मुझे आई थिंक लगता है कि अब जहाँ पे 65 दे रहा है या कुछ दे रहा है तो आपको फ़ोन के अंदर कम से कम जो है वो 25 वाट का चार्जर देना चाहिए ये 15 वाट का एडेप्टर कोई फास्ट चार्ज नहीं हुआ आजकल के समय से क्योंकि इससे चार्ज करने में इसको 1 आवर 45 मिनट के अप्रॉक्स लग जाता है और मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको ये अडेप्टर 25 वाट का नहीं लेना है सैमसंग का क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग कि बॉक्स में आपको ये केबल देखने को मिल जाता है चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है इसको मैं साइड कर देता हूँ दोनों को फिर बात करेंगे हम लोग इसमें इसमें आपको और कुछ नहीं बस ये कवर होगा इसी में आपका जो है वो डाटा केबल था यहाँ पर चार्जर था ठीक है यहाँ पर एक आपको ये इजेक्टर पिन मिलता है ठीक है और साथ ही इसमें कुछ कवर्ड मिलता है ये शायद निकल नहीं रहा है यहाँ पर फंस जाता है ज़्यादातर तो ये निकल नहीं रहा है छोड़िए हम लोग को वारंटी कार्ड या वो देख के क्या फ़ायदा चलिए वैसे हम लोगों के पास जो मॉडल है एक्चुअली ये बेस मॉडल है 8 GB रैम एंड 128 GB रोम के साथ वैसे मैं आपको बता दूं कि सैमसंग S20 Fe ये 5G दोबारा लॉन्च किया गया है इससे पहले जो S20 Fe था उसमें सैमसंग का खुद का एग्जिनॉस प्रोसेसर था तो उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग जो है इशू आ रहा था इसमें भी है हीट इशू बट उतना ज़्यादा हीट इशू नहीं है क्योंकि इसमें जो स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर दिया गया सैमसंग इसको स्टेबल कर रहा है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करके सॉफ्टवेयर अपडेट करके यहाँ पर और देखते हैं हम जो इसका नया आने वाला है अभी तो सैमसंग UI 3.0 चल रहा है अब 4.0 आने वाला है और उसमें एस सीरीज को भी इंक्लूड किया गया है तो दिसंबर तक में आई थिंक आ जाएगा इसका अपडेट तो फिर हम लोग बात करेंगे इसके क्या इसका जो है बढ़िया है अब चलिए बढ़िया क्या है इसमें चलिए निकल गया तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ इसमें आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर ठीक है ये देखिए निकल गया इसमें इजेक्टर पिन देखने को मिलता है और आपको यहाँ पर कुछ कार्ड देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से ठीक है मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ने की ज़रूरत है किस तरह से इसको जो है वो स्टार्टर गाइड है यूज़र गाइड है तो मुझे ज़रूरत नहीं और आई थिंक किसी को ज़रूरत नहीं होती ये सब चीज़ बकवास चीज़ें पढ़ने की ये सब चीज़ों की जगह यहाँ पर कवर दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता यहाँ पर बैक केस आपको देखने को नहीं मिलता सैमसंग कभी देता नहीं है जनरली तो आप जानते ही चलिए इसको रख देते हैं हम लोग साइड में और देखते हैं कि और क्या क्या है चलिए छोड़िए बाद में देखा जाएगा इसको चलिए तो बात करते हैं इसकी यहाँ पर तो कैमरा का थोड़ा सा बम्प जो है यहाँ पर निकला हुआ देखने को मिलेगा और पीछे मैं आपको बता दूं मैं तो ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी है ठीक है पॉलीकार्बोनेट में अच्छा क्वालिटी जो है इस्तेमाल किया गया यूज़ किया गया साइड में आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है ये मेटल का फ्रेम है और यहाँ पे आपको जो है वो एक स्पीकर दिया हुआ है यहाँ पर और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा मैं कुछ गेम प्ले करके दिखाऊंगा वहाँ पर साउंड वाउंड दिखाऊंगा वहाँ पर तो साउंड काफ़ी अच्छा है लाउड है क्लियर है बहुत अच्छा है स्टीरियो स्पीकर है तो ऑब्वियसली आप जान सकते हो यहाँ पर आपको जो है वो 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा आपको अगर गाना सुनना है या कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पर ईयरबड खरीदना पड़ेगा या तो आप सैमसंग का ईयरबड खरीद लो या फिर कोई भी ईयरबड खरीद लो और ईयरबड का मैं सच में आपको क्वालिटी बताऊँगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक्चुअली डॉल्बी एटॉम्स करके या कुछ करके दिया हुआ है यहाँ पर कुछ फीचर दिया हुआ है इसमें तो अगर उस फीचर को आप ऑन करते हो तो ईयरबड में भी आपको साउंड में चेंज देखने को मिलेगा जैसे मैं इससे पहले रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहा था रेडमी नोट 8 और उसमें मैं उसी ईयरबड को सेम यूज़ कर रहा था स्नोकर का मैं आपको दिखाऊंगा ये बढ़िया था वो 700 के अप्रॉक्स जो है मुझे ऑनलाइन परचेज करने में मिला फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल्स में तो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा
तो उसका साउंड का क्वालिटी मुझे लगा वहाँ पर बस 6 mm जो है उसका ड्राइवर है, और बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी निकल के आता है जब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। वही रेडमी से जब मैं कनेक्ट कर रहा था, उसको यूज़ कर रहा था, तो उतना बेस मुझे देखने को नहीं मिलता था, उतना अच्छा क्वालिटी देखने को नहीं मिलता था। मैंने जब इस फोन से इसको कनेक्ट करके यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड देखने को मिला। तो आई थिंक सैमसंग ने इसमें उसमें भी ऑप्शन दे दिया कि ईयरबड में भी आप ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पर डॉल्बी एटम्स को ऑन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चलिए फटाफट से हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। वैसे मैं आपको फीचर के बारे में बता दूं कि इसमें जो स्पेसिफिकेशन, सबसे पहले तो ये आपको वाटर प्रूफ है, मतलब 1.5 मीटर तक, आप 30 मिनट तक इसको वाटर में अगर रहेगा भी, आप इसको पानी में डाल भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ये झेल पाएगा। यहाँ पर फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने ग्लास जो है वो लगाया हुआ है। और मैं एक्चुअली अगर आपको ये फोन लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ से ये जो है प्लास्टिक का ये हटाना मत, रिमूव मत करना, क्योंकि मैं बताऊँगा यहाँ पर कि क्या होता है कि ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, तो जब डस्ट वस्ट आप में जम जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो आपको बाद में स्क्रैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो कवर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग, कवर अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। कैमरा पर भी प्रोटेक्शन एक्चुअली दिया हुआ है, मैं कोई ग्लास यूज़ नहीं कर रहा, बट इस पर अभी तक इस कोई स्क्रैच नहीं आया, बट आपको इसमें भी ग्लास लगा लेना चाहिए। ऑब्वियसली 44-45 थाउजेंड का फ़ोन है। अभी दिवाली में और आपको कुछ दिन पहले ऑफर आया था, तो ये आपको लगभग में 37 थाउजेंड के अप्रॉक्स जो है मिल जाता है, और कार्ड डिस्काउंट लगा के आप करते हो तो यूज़ 34 थाउजेंड में अमेजन पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, तो जिनको लेना है वो अभी जाके ले सकते हैं वहाँ पर। और अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करते हो तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप वो ना इस पर लेमिनेशन करवा लेना, अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है तो, नहीं तो आप वो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। चलिए फटाफट से हम लोग इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है अवेलेबल है। वैसे जब तक ये ऑन हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा फीचर यहाँ पर बता दूँ। देख लेते हैं यहाँ पर सैमसंग Galaxy S20 Fe 5G करके यहाँ पर दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लंबा नाम है बट ठीक है, सैमसंग की तरफ से है। यहाँ पर फ्रंट में आपको जो है 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है, बैक में आपको 12 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से आप 30x तक जूम कर सकते हो। बट गाइज यहाँ पर 10x तक जूम करने पर ही आपको बेटर क्वालिटी इमेज देखने को मिलेगा, फोटो देखने को मिलेगा। अगर आप 30x पर जूम करते हो तो उतना ज़्यादा आपको फोटो देखने को नहीं मिलेगा, उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इसका टेलीफोटो लेंस 10x तक जूम करने के बाद आप इमेज ले सकते हो, 10x भी कम नहीं होता है। और दूसरे फ़ोन की बात करोगे आप, जैसे आईफोन 11 की बात करोगे, तो मुझे लगा कुछ हद तक आईफोन 11 का कैमरा जो है कुछ हद तक नेचुरल फोटो लेता है, ये भी इसका भी कैमरा बहुत अच्छा है। ठीक है, जो लोकल में आप जैसे यूज़ करते हो, जैसे वीवो ओप्पो या फिर रेडमी वेडमी यूज़ करते हो आप, तो उसमें 48 करके देता है, 108 करके देता है, तो ऐसा ये सैमसंग में आपको S सीरीज और Note सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। आप में 12 मेगापिक्सल ही है तो इसमें बहुत अच्छा इमेज आता है, बहुत क्लियर इमेज आता है। आपको अगर S सीरीज या Note सीरीज आप यूज़ किए हो तो आपको ये पता होगा यहाँ पर कि इनके यहाँ पे कैमरा बहुत अच्छे होते हैं। हमारा फोन जो है बूट अप हो चुका है, मैं इसे थोड़ा सा अनलॉक कर लेता हूँ। तो इसमें ये बस स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर उसके बाद जो है आपको ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऐप ओपनिंग टाइम जो एक्चुअली इसका रिफ्रेश रेट है, तो वो रिफ्रेश रेट जो है इसमें 120 जो है वो दिया हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जब रिफ्रेश रेट आप 120 पर करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे आप अभी देख सकते हो यहाँ पर कि जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वैसे उतना शायद आपको ये वीडियो में फील ना हो, बट मैं जहाँ तक बता सकता हूँ कि इसमें वो फील होगा जब आप इसको 120 Hz पर डिस्प्ले को दोगे तो आपको ये फील होगा कि ये फास्ट हो गया, स्मूथ हो गया। वैसे इसमें ऑटो का ऑप्शन देना चाहिए था कि जहाँ पर जिसका यूज़ हो उससे बैटरी जो है हमारा जो है वो हाई चलेगा, टाइम लंबा टाइम चलेगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड में इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 1.5 दिन का, 1 से 1.5 दिन का बैकअप जो है वो मिल जा रहा है। चलिए हाई सेटअप पर देख के हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये किस तरह से मेनली ये वर्क करता है आपको। तो ये यहाँ पर देख सकते हो अब कितना ये फास्ट हो चुका है। ठीक है, फास्ट ओपनिंग हो चुका है, आप यहाँ पर इसको फील कर सकते हो यहाँ पर। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फास्ट चल रहा है। ऐप ओपनिंग टाइम में भी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं हम जैसे फेसबुक से ओपन करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी नेट मेरा ऑफ है थोड़ा सा, तो मैं नेट ऑन कर रहा हूँ पहले।
प्ले स्टोर में देख सकते हो, ओपन हो गया, ठीक है। और फेसबुक देख सकते हो, यहाँ पर ये ओपन हो गया। फिर आप जैसे माई जियो ऐप जो है वो देख सकते हो यहाँ पर, वो भी ओपन हो गया यहाँ पर। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट जो है मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो चुका है, लॉट दे चुका है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर BGMI को किस तरह से ये लॉट होने में टाइम लेता है। तो ये टर्न ऑन लोकेशन का है, देख लेते हैं कि BGMI जो है इसमें कितना लॉट लेने में टाइम ले लेता है। चलिए इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो साउंड है वो आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी कंपनियाँ नहीं देती है। आप नॉट्स नॉट वाले में भी आप देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे फ़ोन में नॉट सी में आई थिंक स्टीरियो स्पीकर नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ एक स्पीकर यहाँ देखने को मिलेगा और एक ईयरपीस वाला स्पीकर आपको देखने को यहाँ मिलेगा। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा, आपको पता ही है, स्पेसिफिकेशन आपने देखा ही है यहाँ पर। इसमें फुल HD आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है यहाँ पर, तो ये देख सकते हो। अब पबजी में अगर बात करें हम लोग, तो इसको एक्सट्रीम मोड में भी खेल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं इसके सेटिंग में। ऑब्वियसली ये 865 है, तो आप Ultra HD में कमिंग सून दिखा रहा है, इसमें आप खेल सकते हो आई थिंक। आप देख सकते हो यहाँ पे HDR में भी आप एक्सट्रीम में यहाँ पर सेटअप कर सकते हो इसको, कुछ ऐसा है। मैं उसे अपने बैटरी कम कंज्यूम करने के लिए इसको मैंने सेटअप लो पर कर रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हो। चलिए आप हम लोग देखते हैं कि ऐप जो मैनेजिंग टाइम है एक्चुअली इसका वो कैसा है, ओपन रह पाता है कि नहीं रह पाता है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर फेसबुक मेरा खुला हुआ था, तो मैं फेसबुक देख लेता हूँ, ठीक है। मेमोरी में है और BGMI मेमोरी में है, यहाँ पर फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमने फ्लिपकार्ट खोला था वो भी यहाँ पर है, मेमोरी में है। और जो एक्चुअली गेम लॉन्चर है वो भी मेमोरी में है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें आपको मेमोरी में रहने वाली है, रैम में रहने वाली है। रैम मैनेजमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो अच्छा है। कैमरा की बात कर लेते हैं हम लोग, तो बैक में आपको जो है यहाँ पर कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, 12 मेगापिक्सल ही है बट अच्छा कैमरा है। और इसमें आपको टेलीफोटो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, तो आप इसको 30x तक जूम कर सकते हो। बट 10x तक जूम करके अगर आप फोटो लेते हो, इमेज लेते हो, तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर करते हो इमेज तो वो आपको उतना अच्छा क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। 12 मेगापिक्सल का इसमें वाइड एंगल लेंस भी है, तो वाइड एंगल लेंस भी देख सकते हो। इस तरह से मैंने नीचे किया हुआ यहाँ पर, तो ये वाइड हो गया मेनली, तो यहाँ पर देख सकते हो। कैमरा आपको देखने को बहुत अच्छा मिल जाएगा, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। आप 10x में जूम करते हो तो ये भी आपको क्लियरली देखने को यहाँ पर मिल सकता है, 10x जूम, ठीक है। तो वो आपको क्लियर देखने को मिल सकता है यहाँ पर, देखिए। चलिए उसके बाद इसमें क्या है कि किसी भी चीज़ को आप अगर कैमरे को यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैंने इसको टैप किया यहाँ पर इस टेक्स्ट को यहाँ पर, तो ये इसको ना ये इसको ट्रैक करते रहेगा, ये जिधर जिधर जाएगा तो ये ट्रैक करते, ये बहुत अच्छा होता है जब आप वीडियो बना रहे होते हो और ट्राइपॉड में लगा के और आप किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को वहाँ पर फोकस कर रहे होते हो, टैप कर देते हो, तो वो अपना जैसे ही वो उस फ्रेम में आएगा तो वो उसका क्लियर वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बाद बाकी इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी है, पोर्ट्रेट मोड ठीक है, अच्छा नहीं ठीक है बोल सकते हैं, उतना अच्छा भी नहीं, बेटर नहीं। सैमसंग को यहाँ पर जो टेलीफोटो लेंस दिया गया था एक्चुअली उसका यूज़ करना चाहिए था यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में, बट उन्होंने यूज़ नहीं किया। आपको नाइट में कैमरा जो है बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, इसमें नॉइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली 45,000 आप पे कर रहे हो, 44,000 पे कर रहे हो, तो उतना तो बनता है इसका। चलिए फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं हम, तो फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का है मिलनी है यहाँ पर, सेल्फी कैमरा है। इसमें जब आप दो लोग यहाँ पर रहते हो तो ये वाइड एंगल में अपने आप जो है एडजस्ट हो जाता है, वैसे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। इसमें कोई वाइड एंगल लेंस दिया नहीं है बट आप वाइड एंगल लेंस के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा ये वाइड हो जाता है। फ्रंट में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको Ultra HD में देखने को मिल जाएगा, 1080p में देखने को मिलेगा, 4K में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर, तो आपको आगे पीछे दोनों में देखने को मिल जाएगा। स्टेबलाइजेशन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उतना भी अच्छा नहीं बट बहुत मतलब अच्छा है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन भी ठीक है, 4K में भी आप अच्छे से स्टेबल वीडियो इसमें निकाल सकते हो। तो कैमरे में नो डाउट कैमरा बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अगर आप मिड रेंज फ़ोन इस्तेमाल करते हो उसके बाद अगर ये इस पे शिफ्ट करते हो तो ये कैमरा आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। In the face, tell me that you love me, even if it's